जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आरएस अग्रवाल का नंबर प्रॉब्लम। ये नंबर प्रॉब्लम संख्या पद्धति प्रश्नमाला फर्स्ट ए है और इसका पहला प्रश्न है 16 × 12 माइनस 672/21 बराबर वाट माइनस 211। ठीक है ना, ये पहला प्रश्न है। सोलह गुने बारह माइनस 672/21 इज इक्वल टू वाट है, यहाँ पर वाट है माइनस 211, इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, ये 21 से 672 करता है 32 बार में, देखिए 21 + 63 और 21 × 42। ठीक है, सबसे पहले हम लोग भाग का क्लियर करेंगे। जब भी आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग है, यहाँ पर गुना है और यहाँ पर घटाव है, यहाँ पर भी घटाव है, तो इसमें सबसे पहले भाग के क्रिया करते हैं, इसलिए हम लोग पहले भाग का क्रिया किए। अब देखिए, अब गुना का क्रिया करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 192 आ जाएगा। 12 × 72 के 2 हासिल 1 7, और 12 और 7 कितना हो गया, 12 और 7 19 हो गया। ठीक है, माइनस 32 इजकल टू वाट माइनस 200, अच्छा इसको वाट को एक्स मान लीजिए 211। ठीक है, ये 32 घटेगा तो यहाँ 160 होगा और ये 211 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 211 इजकल टू वाट एक्स। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और ये 7 और ये आ जाएगा 3, यानी कि 371 आ गया, यही आंसर होगा। ठीक है, इसमें देखा जाए तो आपको चारों ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है 381, दूसरा बी नंबर ऑप्शन है 347, सी नंबर ऑप्शन है 372, डी नंबर ऑप्शन है 311 और ई नंबर ऑप्शन है नॉन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन होगा, ई नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर जो प्रश्न है हमारा वह है 475, 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस वाट। ठीक है, इसका भी 5 ऑप्शन दिया होगा, 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग का क्रिया करेंगे, उसके बाद में जोड़ का क्रिया करेंगे, तो 475 ठीक है, प्लस ये प्रतिशत जब हटता है तो का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना होता है, 64/100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 900 प्लस वाट के जगह पर एक्स मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये 10 से 10 घट गया, अब 5 से ये 2 बार में कटेगा, 5 से ये 19 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 32 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये 19 और 32 को गुना कर देंगे, 19 और 32 को गुना करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, ये 475 ठीक है, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 19 × 38 के 8 हासिल 3, 19 × 57 57 3 कितना हो गया 60 बराबर 900 प्लस 100 हो जाएगा। चलिए अभी दोनों को जोड़िए, 8 × 5 = 13 हासिल 1, फिर 7 × 8 हो गया, 6 × 4 = 10 हो गया। अब ये 900 इधर आएगा तो घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का वैल्यू निकल के चला आएगा, 900 घटाइएगा तो 183 आएगा, यानी कि आंसर क्या हो गया, 183। ठीक है, एक और प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा के बाद तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या, तीसरा नंबर जो प्रश्न है वह है 7960 प्लस
2956 माइनस 8050 प्लस 4028 बराबर वाट, इसका वैल्यू बताना है। देखिए यहाँ पर ये भी जोड़ में है, ये भी जोड़ में है, ये भी जोड़ में, तुमने तीनों को जोड़ देंगे और इस घटाव में तो घटा देंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये जीरो और छ छ हो गया, यहाँ पर देखिए ये निगेटिव साइन वाला है तो घटेगा, तो छ में से यहाँ तक ये इसको और इसको दोनों को जोड़े हैं तो छ आया है, छ में से जीरो घट गया तो कितना होगा छवे रहेगा, और छ और आठ कितना हो गया चौदह, चौदह के चार हासिल एक, छ और पाँच ग्यारह, ग्यारह में से पाँच गया तो छ, और छ में फिर दो जुटेगा क्योंकि प्लस में है तो जुटा है, ये घटाव में था तो घटा है, ठीक है ना, ये प्लस में है तो जुटेगा। फिर से देखिए छ और पाँच ग्यारह, ग्यारह में से पाँच गया तो छ, और छ में फिर दो जुटेगा तो कितना हो गया आठ हो गया, एक हासिल भी है तो नौ हो गया, कितना हो गया नौ हो जाएगा, अब तो कोई हासिल है नहीं, ध्यान दीजिएगा। फिर ये नौ और नौ अठारह, अठारह में से जीरो घट गया तो अठारह ही रहेगा, फिर अठारह में जीरो जुटेगा तो अठारह ही रहेगा, अठारह की आठ हासिल एक, सात दो नौ, नौ में से आठ गया तो एक, एक में चार जोड़ेंगे तो कितना होगा पाँच, और पाँच एक हासिल कितना हो गया छ हो गया, आंसर कितना हो गया छ हजार, कितना हो गया छ हजार 894, ठीक है, तो आंसर नंबर कितना हो गया छ, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो गया सी नंबर हो गया, पहला ऑप्शन है 6984, दूसरा है बी नंबर में 6884, सी नंबर में है 6894, तो यही हो गया 6894 सी नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक। अब आगे देखिए, आगे का जो है फोर नंबर प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर जो प्रश्न है वह है, चौथा नंबर प्रश्न वह है 3842 का एक बटे दो, का एक बटे दो प्लस वाट, वाट का 15% बराबर 2449, ठीक है ना। अब ये नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ठीक है ना, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम लोग का क्रिया करेंगे, यहाँ पर का दो दो जगह, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो पहले इस दोनों का क्रिया करेंगे, ठीक है। तो का मतलब गुना होता है, दो से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा एक, दो एकम दो, दो नवे अठारह, दो दूनी चार, दो एकम दो, ठीक है, दो से कट जाएगा। वाट की जगह पर एक्स ले लेंगे, ये 15% है, प्रतिशत का मतलब कि प्रतिशत जब हटता है तो बटे में 100 हो जाता है, ठीक है, पाँच से कट गया तीन बार में, पाँच से कट गया ये 20 बार में, ठीक है, यानी कि 192 1921 प्लस 3x, देखिए ये इसको x मान लिए तो 3x बटे 20 बराबर कितना हो गया 2449। अब ये 1921 जब बराबर के उधर जाएगा तो इसमें से घटेगा, घटाइए तो ये 3x बटे 20 अब बराबर हो जाएगा, 9 में से 1 घट गया तो 8 हो गया, 4 में से 2 घट गया तो 2 हो गया, फिर 14 में से 9 घट गया तो 5 हो गया, और ये 1 में से 1 घट गया तो 0 हो गया, ठीक है। चलिए अब 3 से इसको भाग लगाइए तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 3 छके 18, ठीक है, 3 से कट गया, अब ये 20 से गुना हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 20 से गुना करेंगे तो एगो 0, और 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 7 दूनी 14 15 के 5 हासिल 1, और 2 1 3, यानी कि 3520 यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए चौथा का 3520 ए नंबर ऑप्शन है, ठीक है ना, तो ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा नंबर प्रश्न, ये आए सवाल का हम लोग प्रश्नमाला फर्स्ट ए का चर्चा कर रहे हैं, अभी तक हम लोग चार प्रश्न देखे हैं, पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर जो प्रश्न है हमारा कि वाट का 350% भागे 50 प्लस 248 बराबर 591, इसको सॉल्व करना है। देखिए वाट के मत की जगह पर हम एक्स ले लेंगे, पहले यहाँ पर का क्रिया करेंगे, उसके बाद भाग का क्रिया करेंगे,
उसके बाद में जोड़ा तब उसके बाद में घटाओ तो क्रिया करेंगे। चलिए पहले तो एहतियात का मतलब क्या होता है, गुना होता है, इसको एक्स मान लीजिएगा, प्रतिशत जब हटाइएगा तो बटे में 100 चला जाएगा, ठीक है। चलिए इतना ना होगा तो रहने दीजिए, प्रतिशत का भी रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए एक्स का मतलब गुना, 350% भाग है, भाग का मतलब क्या होता है, इसको बदलिएगा तो गुना में तो 1/50 मिलेगा, बस 248/99। सॉल्व कीजिएगा तो 1 0 से 1 0, 5 से ये 7 बार, 535 होगी। चलिए यहाँ पर कितना होगा, 7x/100, 7x/100 हो गया। अब इसको उधर ले जाते हैं, उधर ले जाइएगा तो 11 में से 8 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया, बच गया ये कितना, 8, 8 में से 4 गया तो 4 हो गया, हो गया 5, 5 में से 2 गया तो 3 हो गया। अब ये 343 7 से कटता है 49 बार, ठीक है, इसीलिए x बराबर हो गया 4900, यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन मानिएगा। 5 के बाद देखिए 6 नंबर, 6 नंबर प्रश्न देखिए, छ नंबर जो प्रश्न है वह है 25 × 3.25 प्लस 50.4 अब भागे 24 बराबर हो वाट, ये निकालना है, इसका वैल्यू ना निकालना है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए दशमलव हटेगा तो 1/2 0, ये दशमलव हटेगा तो 1/2 0, 1 0, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 से 1 कटेगा कितना बार में, 4 बार में, ठीक है। चलिए यहाँ पर बचा कितना, 325/4, यहाँ पर हो गया देखिए 504/10 है, ये भाग में है, गुना में बदलेगा तो 1/24 हो जाएगा, 24 × 48, 24 × 24, ठीक है। देखिए तो 21/100 हो गया, 21/10 हो गया, यहाँ पर, यहाँ पर 325/4 हो गया। अब ऐसा करते हैं इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना, अगर इसका एलसीएम लेते हैं, नहीं तो ऐसा करते हैं भाग कर जोड़ देते हैं। देखिए इसको अगर भाग दीजिएगा तो 4 × 8 = 32 होता है, और फिर 4 × 4 दशमलव, फिर 10 हो जाएगा तो 4 × 2 = 8 हो गया, फिर 2 × 4 = 20 हो गया, ठीक है। इसको अगर 21/10 है, इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव जाएगा, यानी 2.1 हो जाएगा बराबर, वाट का मतलब एक्स होता है, यही एक्स का वैल्यू हमको चाहिए। अब इसको जोड़िए, जोड़िएगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के बाद इधर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर दशमलव के सामने दशमलव हो गया, 2 × 1 = 3 हो गया, और फिर ये 8 हो गया, ठीक है, यानी कि 83.35 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 83.35 सी नंबर ऑप्शन हो गया, सी नंबर ऑप्शन हो गया। 6 के बाद देखा जाए 7 नंबर, 7 नंबर प्रश्न देखा जाए, 7 नंबर क्या है, 7 नंबर प्रश्न है 833.25, 833.25 माइनस 384.45 अब भागे 24 बराबर वाला, इसी का वैल्यू बताना है। तो ये तो आसान है, इसको पहले घटा दीजिए और ये भाग में, तो इसको गुणा में चेंज करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये 5 में से 5 गया 0 हो गया, 12 में से 4 गया 8 हो गया, दशमलव के सामने दशमलव हो गया, ये अब कितना हो गया
12 हो गया, 12 में से 4 गया 8 हो गया, ये हो गया कितना 12, 12 में से 8 गया, फिर 4 हो गया यहाँ पर, ये बच गया कितना, बगल वाले से हासिल लिया तो ये बच गया 5, 5 में से 3 गया, सॉरी 7 में से 3 गया, तो ये आपको 4 हो गया, ठीक है। तो 448.8 हो गया। अब ये भाग में है तो इसको गुना में लाइए तो 1/24 हो जाएगा। अब 24 से ये कटेगा तो 24 से कटेगा, भाग देना होगा, ऐसा करते हैं, ध्यान दीजिएगा 24 से भाग लगेगा तो एक बार में शेष कितना बच गया 0 और 2, यहाँ पर 8 हो जाएगा। आठ बार में लगाइए, 832 के 2 हासिल 3, 8 2 16, 3 16 3 19 हो जाएगा। शेष कितना बच गया यहाँ पर 6, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पर दशमलव दे दीजिए, 8 उतारिए, 7 बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा। 28 के 8 हासिल 2, 7 2 14, 14 और 2 16, बिल्कुल सही। तो काटने के बाद इसको भाग देने के बाद कितना बार में कटा है, 18.7 बार में कट गया, ठीक है ना, तो ये 18.7 आ गया। चलिए तो ये ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन अगर देखा जाए 18.7 डी नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब 7 के बाद देखिए 8 नंबर, देखिए 8 नंबर जो का प्रॉब्लम है वह है 5.6 × 12.5 भागे 0.5 + 15.5 बराबर वाट प्लस 49.5, इसको सॉल्व करना है। चलिए बताइए, पहले हम लोग भाग के क्रिया करेंगे, चलिए तो पहले इसकी क्रिया करेंगे, सबसे पहले इसकी क्रिया करेंगे, ये देखिए इसमें एक अंक के बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव। अब भाग का मतलब इसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 चला आएगा। चलिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको गुना में लाइएगा तो क्या होगा, 1/2 चला जाएगा, ये दशमलव इसमें भी एक अंक के बाद है, इसमें भी एक अंक के बाद है, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, इसमें देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, ये दशमलव हटेगा तो 1 पर 1 0 बैठेगा। अब इसको भाग लगाते हैं, 5 से कटेगा कितना बार में, 25 बार में, ठीक है। फिर ये 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा ये 5 बार में, आगे फिर 2 से कटेगा कितना बार में, 2 2 4 2 8 यानी कि 28 × 5 और प्लस 15.5 बराबर 1 + 49.5, ठीक है। अब इसको 5 से गुना करने तो 5 8 40 के 0 हासिल 4 और 5 9 10 4 14 और ये हो गया 15.5, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 जुटेगा तो 50 55 हो जाएगा, यानी कि 155.5, ये 49.5 इधर आएगा तो घटेगा, एक्स का वैल्यू निकलेगा, 0.55 घटेगा तो 0 हो गया, 0 के सामने 0 और 15 में से 9 गया 6 और ये बच गया कितना 4 में से 4 गया 0, ये एक हो, ठीक है ना, यानी कितना हो गया 106। अब 106 ई नंबर ऑप्शन है, ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा,
नौ नंबर जो प्रश्न है, 1575 भागे 21 भागे 5 इजिकल टू रूट अंडर वाट इंटू 6। ठीक, इस वाट का वैल्यू बताना है। आसान प्रॉब्लम है, देखिए ये 1575 है और ये देखिए ये भाग है, भाग ये क्या है, भाग में है, ये भी भाग में है। तो भाग का मतलब क्या होता है, बटा के नीचे। 21 भी आपको बटा के नीचे है और 5 भी नीचे में है, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, रूट एक्स इक्वल टू इंटू 6। और इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 से कटेगा कितना, 5 तेईस 15 और फिर 5 एकम 5 फिर 25 25 हो जाएगा, 5 से कट गया। फिर ये 21 से कटेगा, 21 से कटे, 21 एकम 21 21 25 21 25 यानी कि 15 बार पर कट गया। इधर बच गया कितना, 15 और रूट अंडर एक्स इक्वल टू इंटू 6। तो 3 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, यानी कि रूट एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 बटे 2। अब ये रूट जब बराबर को दूसरे तरफ जाता है तो ये स्क्वायर में बदल जाता है, ठीक है। जब ये रूट बराबर को उधर जाएगा तो कैसे में बदल जाएगा, स्क्वायर में, ठीक है। अब ये 25 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 से भाग दीजिएगा तो 4 छः 24, ठीक है, 4 एक 4 सॉरी 4 दूनी 8 फिर 4 5 20 हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। आगे देखिएगा, 9 के बाद 10 नंबर, 10 नंबर जो प्रॉब्लम है उसको देखिए, 10 नंबर प्रॉब्लम देखिएगा। 10 नंबर हम लोग का प्रॉब्लम है, वह है रूट वाट माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस रूट 28। इसको सॉल्व करना है तो ये स्क्वायर जो है जब बराबर को उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, यानी कि रूट एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं इधर, तो ये रूट में बदल जाएगा। 8 माइनस 28 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 7, 4 गुने 7 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, यहाँ पर हमको 2 लाना है, अब ये इसको हम लिख सकते हैं 8 माइनस 2 रूट 7, ठीक है। तो जब भी देखिए रूट के अंदर में, रूट के अंदर में यहाँ पर अगर कोई संख्या दे दे और प्लस माइनस के साथ यहाँ पर 2 रूट कुछ संख्या दिया हुआ रहेगा तो ये यहाँ वाला संख्या को दो भाग में इस तरह से तोड़ते हैं, दो भाग में इस तरह से तोड़ते हैं कि गुना करने पर ये संख्या रहे और जोड़ने पर हमको ये वाला संख्या आ जाए, क्या वाला संख्या, ये वाला संख्या आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए कैसे चलेंगे, 7 को हम लोग 7 एक गुने एक में तोड़ सकते हैं, तो 7 गुने एक में तोड़ने से फायदा क्या हो गया कि ये गुना करते हैं तो यही संख्या है और जोड़ते हैं तो ये वाला संख्या आ जाता है, ठीक है ना। जब इस प्रकार से इस तरह से आ जाता है तो इसको हम लोग जो बड़ा वाला है संख्या उसको हम लोग पहले लेते हैं, जो 7 और 1 में बड़ा कौन है, 7 है, तो रूट के अंदर में 7 इसको यहाँ लेते हैं और छोटा वाला को यहाँ लेते हैं, ठीक है। और बीच में अगर माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, अगर प्लस रहेगा तो प्लस देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हमको एक्स का वैल्यू बताना है, तब एक्स का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं तुलना करके। अब तुलना कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर रूट के अंदर एक में यहाँ पर कितना है, 7 है, यहाँ पर रूट के अंदर में क्या है, 7 है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में, रूट के अंदर से इसको बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि रूट रूट एक का वैल्यू एक ही होता है, ठीक है ना, रूट एक का वैल्यू एक ही होता है। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, रूट एक्स माइनस 1 यहाँ पर रूट 7 माइनस 4, ठीक है। तो देखिए एक की जगह पर माइनस की जगह पर माइनस है, एक की जगह पर एक है, यहाँ पर रूट एक्स है, यहाँ पर रूट कितना है, 7 है, इसीलिए तुलना करने से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, यही हमको निकालना था। तो ये हम लोग देख रहे थे आर एस अग्रवाल का 1 से लेकर 10 तक का प्रॉब्लम हम लोग देखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से पूरे आदर्श अग्रवाल का आपको सलूशन करवाया जाएगा।